अरविंद केजरीवाल का होगा और सरल भाषा में दर्शक समझ ले। अब आगे बढ़ते हुए ये बता दूं कि इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और ये कहा है कि अब ये लड़ाई देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच की होने वाली है। देश भर में बीजेपी दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील यहां पर की है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़े ना इसकी भी पुख्ता तैयारी यहां पर पुलिस की तरफ से दिखाई दे रही है। पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है, देश के हर घर में हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। सच्चाई दी जीत हुई। दिल्ली का सब तो भ्रष्ट ते करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्ना ने शराब घोटाला करके करोड़ों रुपया बनाया, जिहड़े कहिंदे सी कि सम्मन फर्जी ने, जिहड़े कहिंदे सी इलीगल ने, जिहड़े कहिंदे सी मेरे खिलाफ सबूत नहीं, अज जो दिल्ली दी हाई कोर्ट च गए, हाई कोर्ट ने कहा यह सम्मन फर्जी नहीं, यह सम्मन लीगल ने। और तुसी क्यों हुण तक ईडी दे सामने नहीं पेश होए? यह माणयोग हाई कोर्ट ने अज अरविंद केजरीवाल जी नूं पुछिया उन्हां दे वकील दे माध्यम तों। जदों ईडी दे वकील ने दस्सिया कि असीं अरविंद केजरीवाल जी नूं गिरफ्तार कर सकते हाँ, हाई कोर्ट ने कहा सानूं एविडेंस लिया के दिखाओ। जदों उन्हां नूं सारा एविडेंस दिखाया गया, हाई कोर्ट ने इनकार करता डबल बेंच ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से रोक लाने तो, मतलब मोहर ला दी कि तुहाडे को एविडेंस हैगा तो जाओ तो गिरफ्तार करो। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होए ने। तो एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान यहां पर किया गया है। प्रियंका का मैं रुक कर लेती हूं। प्रियंका, ये जो प्रदर्शन होने वाला है जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोने कोने से बुलाया गया है, क्या ये संभव है? क्योंकि राहुल गांधी तो मुलाकात भी करने वाले हैं ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या कांग्रेस भी इस प्रदर्शन का समर्थन कर सकती है? कांग्रेस के भी बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में दिखाई दे सकते हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से रात को हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देखे हैं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ना केवल कांग्रेस बल्कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम अलायंस हैं उन्होंने इसको लेकर बयानबाजी की है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि दिल्ली कांग्रेस जो है खासतौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में नज़र नहीं आती है। तो मेरी अपनी समझ से शायद दिल्ली के कांग्रेस के नेता प्रदर्शन में शायद शामिल ना हो। हालांकि हमने कल रात को अरविंदर सिंह लवली को भी वहाँ पर देखा था, वो वहां अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे। तो कॉल जो किया गया है, जाहिर तौर पर तमाम लोगों को उसकी जानकारी भी दी गई है, लेकिन राजनीतिक फैसला लेते हुए क्या वो उसमें सम्मिलित होते हैं नहीं, ये 10 बजे के बाद ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि 10 बजे जो है प्रोटेस्ट का कॉल किया गया और हमने देखा है कि प्रोटेस्ट कितने लार्ज लेवल का होता है, क्योंकि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, जब सीबीआई पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, तब भी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि पुलिस के लिए मुश्किलें भी बड़ी थी। और इसी के मद्देनजर आज पूरे रास्ते को सुबह से ही बैरिकेडेड कर दिया गया है ताकि लोगों के पहुंचने में रुकावटें पैदा की जा सके। लवीना, बिल्कुल प्रियंका, बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इन सबके बीच दिल्ली में शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता जबरदस्त हमलावर हैं। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए कलंक बता दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को लुटेरा कह डाला। देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जरूरत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां
बैठा था, जब पता चला लोगों को तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए, आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और वो दावा ये है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ये कहा कि 2 साल की जांच में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन बड़ा दावा यह किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल हैं और आने वाले समय में भी अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। सीएम का चेहरा यहां पर किसी भी रूप में बदला नहीं जाएगा। अगर जेल में भी रहे तो जेल से ही दिल्ली की सरकार अगर कोई व्यक्ति चलाएगा तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये आतिशी ने साफ कर दिया। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको समझा